शराबबंदी को लेकर के घमासान मचा हुआ है। ऐसे में सवाल ये कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून सफल हो पाएगी, क्योंकि इससे पहले भी कई राज्यों में शराबबंदी कानून को सफल बनाने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन वो राज्य शराबबंदी को सफल बनाने में कामयाब नहीं हुई। नमस्कार, आप आईवी टीवी देख रहे हैं, मेरा नाम निशा ओझा है। बिहार में इन दिनों जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद शराबबंदी को लेकर के घमासान मचा हुआ है। जहां एक तरफ शराबबंदी कानून को वापस लेने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून को और भी सख्ती से लागू कराया जाएगा। इस बीच एक किस्सा याद आता है। दरअसल हरियाणा में 1996 में उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल ने शराबबंदी कानून को लागू कराया था, ये कहकर कि वहाँ की महिलाएं ये चाहती है कि राज्य में शराबबंदी कानून लागू हो जाए। लेकिन महज 2 साल के बाद ही इस शराबबंदी कानून को वहाँ खत्म करना पड़ा था। कारण भी महिलाएं ही थी। शराबबंदी कानून एक ऐसा कानून है जो महिलाओं के नारे के साथ शुरू होता है और उनके ही समझाने के बाद वो खत्म भी हो जाता है। दरअसल हरियाणा की कहानी भी ऐसी ही है। दरअसल जुलाई 1996 में वहाँ के सीएम रह चुके बंसीलाल ने शराबबंदी कानून को लागू कराया था। उन्होंने कहा था कि महिलाएं ये कह रही है कि अगर शराबबंदी कानून लागू हो जाता है तो इससे वहाँ पर राज्य जो है वो विकसित करेगा और साथ ही उनके जो पति है वो शराब को छोड़ देंगे। तो बंसीलाल ने शराबबंदी को वहाँ लागू कर दिया। लेकिन 2 साल के बाद ही यानी कि अप्रैल 1998 में वहाँ शराबबंदी कानून को ख़त्म कर दिया गया। कारण भी महिलाएं ही बताई गई। कहा गया कि महिलाएं ये कह रही है कि उनके पति अब बॉर्डर पर जाकर के यानी कि पंजाब में जाकर के शराब पीते हैं और कई कई दिनों तक घर वापस नहीं लौटते हैं और इस वजह से उन्होंने सीएम से दरख्वास्त किया और फिर ये शराबबंदी हट गई। इतना ही नहीं, कारण ये भी बताया जाता है कि शराबबंदी से राजस्व का भी खूब नुकसान हुआ और यही तर्क बिहार में भी दिया जा रहा है। तो कई राज्य ऐसे हैं जहां शराबबंदी पहले से ही विफल रही है। इसमें केरल का नाम भी सामने आता है। केरल में 2014 में शराबबंदी कानून को लागू किया गया था, लेकिन फिर हो हंगामा मचा और फिर 5-स्टार होटल्स में शराब पीने की जो अनुमति है वो दे दी गई, वहाँ शराब परोसे जाते हैं। ऐसे में अब बिहार का नाम सामने आ रहा है जहां 2016 से ही शराबबंदी कानून जो है वो लागू है। यहां के नीतीश कुमार जो कि सीएम हैं वो अडिग हैं कि शराबबंदी कानून जो है वो और भी स्ट्रिक्टली राज्य में लागू हो, लेकिन जिस तरीके से आए दिन केसेस सामने आते हैं जहरीली शराब से मौतों के बाद, उसके बाद लगातार वो विपक्ष के निशाने पर होते हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से छपरा में जहरीली शराब को पीने से लोगों की मौतें हुई है, उसके बाद इस पर घमासान मचा हुआ है। वहीं एक राज्य है गुजरात जहां शराबबंदी कानून एक तरीके से सफल है। तो गुजरात को छोड़कर के कोई ऐसा राज्य नहीं दिखा जहां शराबबंदी कानून को जो लागू करने का, सफल बनाने का जो मिशन है वो कामयाब होता हुआ नजर आया। कहीं ना कहीं सरकार हार गई तो वहाँ की जनता हार गई। एक तरीके से अगर प्रैक्टिकल बात की जाए तो शराबबंदी कानून एक ऐसी कानून है जो सच में सफल होती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि पूरी तरीके से शराब पर रोक लगा देना सही नहीं लगता। मतलब ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है, क्योंकि शराबबंदी को पूर्ण तरीके से सफल बना देना वो भी बिना प्लानिंग के मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है। और शायद यही नीतीश कुमार के साथ भी हो रहा है। उन्होंने शराबबंदी कानून को लागू तो करा दिया लेकिन प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, और शायद इसी वजह से आज बिहार में 2016 से शराबबंदी के बावजूद भी 2022 का अंत होने वाला है, धरातल पे ये शराबबंदी फेल ही है और ये सब लोग जानते हैं। हम प्रैक्टिकली इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि शराबबंदी कानून को लेकर के कई रिसर्च सामने आए जहां पर लोग भी हार गए कि शराबबंदी कानून शायद ही किसी राज्य में बेहतर तरीके से सफल हो सकती है, जिसमें अब तक गुजरात का नाम सामने आ रहा है जहां शराबबंदी सफल है। बाकी कई ऐसे राज्य हैं जहां शराबबंदी करने की घोषणा की गई लेकिन कुछ साल कुछ महीनों के बाद वो हटा दिए गए, और अब देखना है कि बिहार में क्या कुछ होता है, क्योंकि अब नीतीश कुमार भी निशाने पर हैं और ऐसे में ये देखना होगा कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून को नीतीश कुमार वापस लेंगे या फिर यूं ही उसे जारी रखेंगे और स्ट्रिक्टली से जारी रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आईवी टीवी के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।
घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ। टफकॉन XT के साथ।